हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू PMR स्मार्ट लर्निंग। वंस अगेन मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेके आया हूँ जिसमें हम देखेंगे मैथ्स पार्ट वन के रिड्यूस सिलेबस क्लास टेंथ के लिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं, पर उससे पहले अगर किसी ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए स्टूडेंट्स, ताकि आपको मेरे नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रही, और बेल आइकॉन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यह है मैथ्स पार्ट वन की बुक का पेज नंबर 2। जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, यहाँ पर हेडिंग है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन के साथ। यहाँ पे स्टार्टिंग की अगर आप 4 लाइन छोड़ दे तो पूरा पेज जो है वो कट हो चुका है, मतलब ये पूरा पेज आपको स्टडी में नहीं इन्वॉल्व होगा। तो आपको ये जो पेज पर 2 कॉलम दिख रहे हैं, ये दोनों आपके सिलेबस से कट हो चुके हैं। आगे देखते हैं, आगे पेज नंबर 3 पर है एग्जाम्पल नंबर 2, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ये भी आपके सिलेबस में से रिड्यूस हो चुका है। हालांकि एग्जाम्पल नंबर 3 आपको रहेगा, सिर्फ एग्जाम्पल नंबर 2 जो है वो कैंसिल कर दिया गया है। आगे देखते हैं, आगे पेज नंबर 4 पे प्रैक्टिस सेट 1.1 का फर्स्ट जो एग्जाम्पल है वो आपको कट कर दिया गया है। यहाँ पे नीचे थोड़ा सा, हाँ ये जो फर्स्ट वाला एग्जाम्पल है आपका, ये कट कर दिया गया है। और पेज नंबर 5 में जो है क्वेश्चन नंबर 2, इसमें 1, 2, 3, 4, 5, और 6 जो है वो कट कर दिए गए हैं, बाकी का आपको सिलेबस में रहेगा, और ये पूरा पेज भी आपको स्टडी में इन्वॉल्व होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है पेज नंबर 16 पे। तो यहाँ पे आपको जो एक्टिविटी दिख रही है, ये स्क्रीन पे आपको दिख रही होगी, ये आपकी एक्टिविटी पूरी तरह से कट हो गई है, ये एक्टिविटी आपके सिलेबस में इन्वॉल्व नहीं होगी। तो इसके बाद आ जाते हैं पेज नंबर 17 और 18 पर। ये जो पेज नंबर 17 और 18 है, ये पूरी तरह से आपके सिलेबस में से कट किए गए हैं, तो इसकी स्टडी आपको नहीं करनी है। तो चलिए अब देखते हैं आगे। आगे है पेज नंबर 19 पर एक एक्टिविटी दी गई है आपको, जो कि आपके सिलेबस में से कैंसिल हो चुकी है, तो इसकी भी स्टडी आपको नहीं करनी है। और इसी पेज पर नीचे प्रैक्टिस सेट 1.4 दिया गया है, वो भी आपके सिलेबस में से कैंसिल हो चुका है। आगे है पेज नंबर 28 पर। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 6 दिख रहा है, ये आपके सिलेबस में से पूरी तरह कट हो चुका है। आगे पेज नंबर 37 पर है, ऊपर से 7th लाइन से पूरा जो पेज है ये कट हो चुका है, ऊपर की सिर्फ 7th लाइन है, बाकी का पूरा पेज यहाँ पे आपका रिड्यूस हो चुका है। अब इसके ही आगे का पेज यानी कि पेज नंबर 38 भी पूरी तरह से, मतलब फुल पेज आपका यहाँ पे कट हो चुका है। आगे बढ़ते हैं, आगे है पेज नंबर 39। यहाँ पे एग्जांपल नंबर 2, मतलब ऊपर से 9 लाइंस जो है वो कट हो चुकी है, और आपको यहाँ पे स्क्रीन पे जो प्रैक्टिस सेट 2.3 दिख रहा है, ये भी पूरी तरह से कट हो चुका है, इसमें से एक भी एग्जांपल आपके सिलेबस में नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे पेज नंबर 42 पे पूरा का पूरा, मतलब होल पेज इज़ रिड्यूस्ड, मतलब पूरा का पूरा पेज जो है कट किया गया है, क्योंकि ये फॉर मोर इन्फॉर्मेशन है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, ये आपकी कुछ काम की नहीं, इसलिए। आगे पेज नंबर 43 पर ये जो एक्टिविटी आपको दिख रही होगी, ये एक्टिविटी का बॉक्स, ये पूर्ण वर्ग पद्धति ने नको, मतलब ये एक्टिविटी का बॉक्स पूरी तरह से नहीं है, एकदम फुल्ली कैंसिल हो गया है। और आगे आते हैं डायरेक्ट पेज नंबर 46 और 47 पे। तो पेज नंबर 46 और 47 भी पूरी तरह से रिड्यूस हो गए हैं, ये 46 और 7 आप भूल ही जाइए, ये पेज आपकी पूरी तरह से कैंसिल हो चुके हैं, इसमें से एक भी शब्द आपका सिलेबस में इंक्लूड नहीं होगा। पेज नंबर 49 पे यहाँ पे आपको दिया गया लेट्स रिमेंबर। तो इसमें जो है, इसमें जो सेकंड और थर्ड लाइन है, सेकंड से थर्ड लाइन ये रिड्यूस हो चुकी है, मतलब कैंसिल हो चुकी है। और यहाँ प्रैक्टिस सेट 2.5 में एग्जांपल 1 का थर्ड जो है वो कट हो चुका है, और पेज नंबर 50 पे 2.5 प्रैक्टिस सेट का ही एग्जांपल, मतलब क्वेश्चन 5 और 6 जो है वो भी कट हो चुके हैं। चलिए स्टूडेंट बढ़ते हैं आगे और आते हैं प्रॉब्लम सेट 2 पर। इसमें का जो फर्स्ट क्वेश्चन में का जो 6th आपको दिख रहा है, आउट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन फाइंड द इक्वेशन हैविंग द सम ऑफ इट्स रूट्स इन -5, तो ये वाला जो है ये कट हो चुका है आपके सिलेबस में से। और आगे पेज नंबर 54 पर प्रॉब्लम सेट 2 का ही एग्जांपल नंबर 10 जो है,
टेंथ एग्जाम्पल, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन सच दैट इट रूट्स आर स्क्वायर ऑफ सम ऑफ द रूट्स एंड स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन 2x square. ये जो है जो 10th क्वेश्चन है, ये भी आपका सिलेबस में से कट हो चुका है. आगे बढ़ते हैं, आगे पेज नंबर डायरेक्ट आ जाइए 94 पर. तो यहाँ पे आपको कंपोजिशन स्कीम का जो मतलब फॉर मोर इन्फॉर्मेशन में कंपोजिशन स्कीम का जो कॉलम दिख रहा है ये भी आपका कैंसिल हो चुका है. आगे पेज नंबर 96 पर आपको ये दिख रहा होगा IGST का टॉपिक, और ये फॉर मोर इन्फॉर्मेशन का पूरा बॉक्स कट हो चुका है. आगे बढ़ते हैं, आगे पेज नंबर 97 से लेके पेज नंबर 108 तक ये जो सारे पेज है और उसमें के जो सारे आर्टिकल्स मतलब ये जो कुछ भी लिखा है पेज नंबर 97 से 108 तक सब कुछ कैंसिल हो चुका है. आगे देखते हैं, आगे पेज नंबर 111 से 112 तक जो प्रॉब्लम सेट 4B है ये फुल्ली कैंसिल हो चुका है, मतलब रिड्यूस हो चुका है. आगे देखिए स्टूडेंट्स, पेज नंबर 132 पर यहाँ पे अस्यूम मीन मेथड जो है वो कैंसिल हो चुकी है, ये आपके सिलेबस में नहीं आएगी. आगे के पांच पेज यानी कि पेज नंबर 133 से 137 तक पूरा जो ये पेजेस पर जो कुछ भी लिखा है वो सब रिड्यूस हो चुका है. आगे देखिए, आगे पेज नंबर 138 पर प्रैक्टिस सेट 6.1 में जो सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ प्रॉब्लम है वो सब कट हो चुके हैं, और इसके आगे पेज नंबर 159 से लेकर 160 तक सब कुछ कट हो चुका है. आगे देखते हैं स्टूडेंट, आगे आते हैं पेज नंबर 161 पर ऊपर से जो फिफ्थ लाइन है वहाँ तक सब कुछ कट हो चुका है. और बढ़ते हैं अगला है 164 पेज नंबर, यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 6.6 का एग्जांपल नंबर फिफ्थ और सिक्स जो है वो कैंसिल हो चुका है. और आगे लास्ट में मिसलेनियस प्रॉब्लम सिक्स में जो है उसमें का एग्जांपल वन और सेकंड और फोर्थ जो एग्जांपल से ये कट हो चुके हैं, और एग्जांपल नंबर 14th और 16th जो है वो भी यहाँ पर आपके कट हो चुके हैं. बाकी सब आपके सिलेबस में रहेगा, सिर्फ ये दो चार जो है ये आपके सिलेबस में से रिड्यूस हो चुके हैं. तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा मैथ्स पार्ट वन का रिड्यूस सिलेबस. उम्मीद है आपने सब कुछ अच्छे से नोट डाउन कर लिया होगा. और स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, और ऐसे नए नए वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए. और जल्दी मैं मैथ्स पार्ट टू और साइंस वगैरह के भी रिड्यूस सिलेबस डालने वाला हूँ, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको मेरे नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहे स्टूडेंट्स. और एक ज़रूरी बात, अगर आपको इस वीडियो का जो मैंने रिड्यूस सिलेबस बताया है उसका फ़ोटो देखना है तो उसका भी PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप वहाँ पर जाके लिंक देख सकते हैं. वहाँ से जाके आप इस रिड्यूस सिलेबस का मैथ्स पार्ट वन का PDF डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा. पर क्या है ना स्टूडेंट्स कि वो लिखा है मराठी में, और कोई कोई स्टूडेंट्स होते हैं जिनको मराठी समझ नहीं आती या फिर मराठी में थोड़ा टफ जाता है, और मैथ्स के बुक में कभी कभी मिलता नहीं है वो मराठी का जो लिखा हुआ रहता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे आपको ये वीडियो बना के बताया. और आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक पे क्लिक करके ये PDF डाउनलोड कर सकते हैं, और PDF में भी यही 3 पेजेस है, आप देख लीजिए यहाँ पे स्क्रीन पे ये लास्ट पेज है, ये जो है रिड्यूस सिलेबस के पेजेस है. यहाँ पे इस पेज में आपको सब कुछ बताया गया है इन तीनों पेज में कि क्या क्या मैथ्स पार्ट वन का रिड्यूस हो गया. तो चलिए स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगले वीडियो में. थैंक्स फॉर वॉचिंग.